हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पिल्लू। आज का टॉपिक है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो मीरा कास्ट को सपोर्ट करता है या नहीं। मीरा कास्ट क्या होता है? मीरा कास्ट ये होता है कि आप अपने लैपटॉप को की स्क्रीन को किसी दूसरी, जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन को आप चाहते हैं कि अपने जो है टीवी स्क्रीन जो होती है उसको सपोर्ट करता है या नहीं। जैसे मीरा कास्ट यानी कि उसको थ्रू वाईफाई सपोर्ट करता है या नहीं करता है। जैसे मेरा कास्ट में जैसे आप मोबाइल को भी जैसे अपने टीवी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह कुछ लैपटॉप होते हैं जिनका हार्डवेयर जो है सपोर्ट करता है कि विदाउट HDMI केबल आप उसको अपने कास्ट कर सको, उसकी स्क्रीन को ऑन टीवी, ठीक है, जो टीवी उसको सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो और आर की प्रेस करेंगे कंप्यूटर पे अपने, और जाएंगे CMD प्रेस करेंगे उसको। जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर वायरलेस डिस्प्ले सपोर्टेड, यस, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो है ये सिस्टम जो है मेरे वाला, ये मेरा कास्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है इसको चेक करने के लिए, उसके लिए आपने प्रेस करना है विंडो की प्लस पी फोर पैरेट, ठीक है। पी फोर पैरेट की आप चेक कर सकते हो, विंडो प्लस पी। मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नोटपैड पे। तो भी आप उसको जो है सिस्टम को अपने स्क्रीन को डिस्प्ले करवा सकते हैं विदाउट HDMI केबल, ये वायरलेस के थ्रू ही होता है सारे का सारा, ठीक है। इसमें आपको HDMI केबल की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। में जाना है और टाइप करना है DXDIG, ठीक है, DXDIG। देखिए सेव वाले इंफॉर्मेशन यहां से क्लिक करके आप कर सकते हो, आप देख सकते सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी कलेक्ट हो रही है मेरे सिस्टम की। तो सेव बटन DXDIG फाइल को डेस्कटॉप पे, ठीक है, इसको करते हैं यहां से एग्जिट। ये जो DXDIG फाइल है इसको मैं ओपन करूंगा अभी। यहाँ पर मेरे को सर्च करना पड़ेगा मीरा कास्ट, ये देखिए, ठीक है। तो मेरा ये सिस्टम मीरा कास्ट को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, उसके बाद एक ऑप्शन और होता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो में सर्च करके भी आप उसको विंडो में सर्च करके भी आप उसको सर्च कर सकते हैं सर्च बार में, ठीक है, विंडो में। तो इसमें एक ऑप्शन आता है कनेक्ट के, COONECT कनेक्ट करके, ठीक है, ऐप होता है आपकी विंडो 10 में, ठीक है। आप उसको क्लिक करोगे तब भी ये शो कर देगा कि आपका सिस्टम मेरा कास्ट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कनेक्ट ऐप आ रहा है विंडो में, डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए सिस्टम इज रेडी फॉर यू टू कनेक्ट वायरलेसली, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम जो है मेरा कास्ट को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान पिल्लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।